ये देखेंगे कि साइन जीरो की वैल्यू हम जीरो क्यों बोलते हैं, या कॉस 180 की वैल्यू माइनस 1 क्यों बोला जाता है, या साइन 180 की वैल्यू हम वापस जीरो क्यों बोलते हैं। ठीक है, आज हम उन सारी चीज़ों से डील करने वाले हैं। तो टेंथ तक हम एक चीज़ कर रहे थे, टेंथ तक हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, हम उसको कैसे डिफाइन कर रहे थे, एक ट्राइंगल का यूज़ करके। हाँ या ना, जो एक राइट एंगल ट्राइंगल होता था, अगर ये भी सोचो ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें ये एंगल मेरा क्या है, थीटा, राइट। तो तुमको पता है जो भी एडजेसेंट साइड होती है उसको क्या बुलाते हैं, बेस। जो थीटा के एडजेसेंट है दैट इज कॉल्ड बेस, थीटा के जो सामने होती है ऑपोजिट होती है उसको क्या बुलाते हैं हम, परपेंडिकुलर। हाई एम है ना, इसको हम परपेंडिकुलर बुलाते हैं। और जो 90 के सामने होती है उसको हम बुलाते हैं हाइपोटेनियस। हाँ या ना, या तो तुम देखा है अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसका दो साइड होंगे और एक हाइपोटेनियस होगा, तो जो भी साइड 90 डिग्री के ऑपोजिट होता है उसको हम हाइपोटेनियस बुलाते हैं, राइट। और अब देखो, और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो थीटा के एडजेसेंट होते हैं ना दैट इज नोन एज बेस, और जो थीटा के ऑपोजिट होता है दैट इज नोन एज परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर को मैंने लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में पी, और बेस को मैंने लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में बी। अब टेंथ तक हम क्या देख रहे थे, जो साइन थीटा होता है, जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है ना पी बाय एच, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टैन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। टेंथ तक हम किसका यूज कर रहे थे, राइट एंगल ट्राइंगल का यूज कर रहे थे, किसका यूज कर रहे थे, राइट एंगल ट्राइंगल। बट आज हम देखेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसको हम एज सर्कुलर फंक्शंस डील करेंगे। कैसे डील करेंगे, एज सर्कुलर फंक्शन, हम इनका वैल्यूज थ्रू सर्कल निकालेंगे। ठीक है, एक सर्कल बनाएंगे, जैसे हम टेंथ पे क्या करते थे, ट्राइंगल का यूज करके निकालते थे ना जो भी रेशियोज है, आज हम एक सर्कल का यूज करके सारे रेशियोज निकालने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम किसका यूज करने वाले हैं, तब तक हम किसका यूज कर रहे थे, टेंथ तक ट्राइंगल का यूज कर रहे थे, राइट एंगल ट्राइंगल, अब हम यूज करेंगे सर्कल का। सर्कल का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम सर्कुलर फंक्शंस के थ्रू डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, पहले हम कार्टेशियन पेन बना लेते हैं। ठीक है, बना लिया, अब इसके अंदर सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब मैंने बोला कि जो सर्कल है ना इसका रेडियस है 1 यूनिट, कितने का है, जिसका रेडियस है दैट इज 1 यूनिट, 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर या तुम्हारे हिसाब से जो भी हम यूनिट डिसाइड करते हैं। तो मैंने बोल दिया जो रेडियस है वो कितने इसका है, रेडियस है हमारा 1 यूनिट का, इस जो सर्कल इसका रेडियस कितना है 1 यूनिट। ठीक है, इस सर्कल का रेडियस कितना है 1, ये ठीक है, इस सर्कल मैंने ले लिया। अब तुम मेरी बात सुनो, हमने कार्टेशियन प्लेन में यहाँ पे हम कैसे चलते थे, क्लॉकवाइज, यहाँ पे 0 होता था, यहाँ पे 90 180 270 360, तो यहाँ पे एंगल क्या होगा 0, फिर यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270, और फिर से घूम के आएंगे इधर पे कितना जाता है 360। हाँ है ना, है ना, 0 90 180 डिग्री 270 डिग्री, और ये वापस घूम के आएंगे। तो अब मेरी बात सुनो, अब ये मेरा जो रेडियस है कितना, जो सर्कल है रेडियस कितना है 1 यूनिट है, राइट, हम सबको क्लियर। अब मैं क्या बोल रही हूँ यार, इस सर्कल के ऊपर ना तुम कोई भी पॉइंट ले लो, इस सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, ये मेरा क्या है, ये ओरिजिन है। ठीक है, ये ओ है, ओ मतलब ओरिजिन। अब मैंने क्या बोला, इस सर्कल के ऊपर तुम कोई भी एक पॉइंट ले लो। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इस पर कोई एक पॉइंट ले लिया पी, इसको नाम दे दिया a, b। ठीक है, जो a कोऑर्डिनेट है वो एक्स को, एक्स के है ना, इसे हम कोऑर्डिनेट से कैसे लिखते हैं, x, y। तो जो स्टार्टिंग वाला होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट है, जो पीछे वाला होता है वो होता है वाई कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट्स को x, y के फॉर्म में लिखते हैं, स्टार्टिंग वाला a कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, और पीछे वाला y कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये भी चीज़ अभी हमको क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, हम इस ओपी लाइन को जोड़ लेते हैं, क्या करते हैं, इस ओपी लाइन को जोड़ लेते हैं, मतलब ये मेरा था ओरिजिनल। अब यहाँ से हम एंगल ओए था ना, ओए एक्स एक्सिस था, ये हमारा कौन सा एक्सिस है, ये हमारा है एक्स एक्सिस, और ये हमारा कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ एक्स एक्सिस से मैं एक्स रेडियन ली, कितना ली, मैं चली एक्स रेडियन, कितना चली एक्स रेडियन। ठीक है, यहाँ पे जो हम एंगल ले रहे हैं दैट इज इन रेडियंस। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा तुम लोगों को, एक्स रेडियन, ये एंगल कितना ले लिया मैंने, एक्स रेडियन का ले लिया। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अब हम क्या करेंगे,
ये पी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ठीक है, ये समझ समझ गया जो एक्स है वो क्या रेडियन है, एंगल है, कितना एंगल से हम घूमें। यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और इस परपेंडिकुलर का नाम मैंने दे दिया एम। आई होप इतना समझा होगा तुम लोगों को। इस परपेंडिकुलर का नाम क्या दे दिया मैंने, एम, ठीक, इस परपेंडिकुलर का नाम दे दिया मैंने एम। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एंगल आ गया, ये ओपी रेडियस होगा ना, ये ओपी क्या होगा, रेडियस होगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, जो ओ एम का वेल लेंथ है वो कितना हो जाएगा, ओ एम का लेंथ एक्स कोऑर्डिनेट मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक चले और इधर से ऊपर गए मतलब ये कितना है, ये है हमारा ए, और यहाँ से देखो ये टू, ये किसके करस्पॉन्डिंग हो रहा है, किसके करस्पॉन्ड हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट है, किसके करस्पॉन्ड हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, बी, ये ए कोऑर्डिनेट, ये बी, इतना ही डिस्टेंस चले ना, ओरिजिन से कितना चले हम बी, यहाँ से कितना चले ए, तो ये वाला पूरा ए हो गया, ये वाला पूरा बी हो गया। तो वैसे ही ये देखो ये इसके पैरेलल है राइट, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी बी और ये वाली वैल्यू ए। आई होप इतना समझा होगा। अब ट्रायंगल ओपीएम को देखो, जो ट्रायंगल ओपीएम है वो कैसा है मेरा, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है, मेरी बात सुन, तो 90 डिग्री बन गया। ये जो एक्स है वो क्या है, रेडियन मेजर, एक्स क्या है, रेडियन मेजर, और रेडियन मेजर हम निकालते कैसे थे, आई होप याद होगा तुम लोग को, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय इट्स रेडियन है, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय इट्स रेडियन, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय इट्स रेडियन, सॉरी डिवाइडेड बाय इट्स रेडियस। तो ये किसका मेजर होता था, रेडियन का, है ना। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो सब लोग, अब ट्राइंगल ओपीएम को ऑब्जर्व करेंगे, तो जो ट्राइंगल ओपीएम है दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसमें पीजीटी लगा सकते हैं। अगर हम इसमें पीजीटी लगाएंगे, इसमें अगर पीजीटी लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी है, रेडियस है मतलब वन यूनिट है ना, तो ये ए स्क्वायर साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये वाली साइड की वैल्यू कितनी है ए, ए स्क्वायर, ये वाली साइड की वैल्यू कितनी है बी, तो बी स्क्वायर राइट, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू वन राइट। अब मेरी बात सुनो, अब मैंने बोला यार इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व करो, मेरे को ये बताओ कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है, कितनी है कॉस एक्स, कॉस एक्स क्या बोलोगे तुम, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो इसका एडजेसेंट साइड क्या है ए है, इसका हाइपोटेनस क्या है वन है, तो वन हो जाएगा, तो कॉस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी ए। अब वैसे ही मैंने बोल दिया यार मेरे को तुम साइन एक्स की वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू बताओ, साइन एक्स की, साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एक्स के अपोजिट कौन सा है बी है, तो इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा और हाइपोटेनस क्या है वन है, बी अपॉन वन, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या हो गई बी। ठीक है, तो देखो अब एक ही जगह क्या पुट कर सकती हूँ मैं, कॉस एक्स, कॉस एक्स का स्क्वायर प्लस साइन एक्स का स्क्वायर इक्वल टू वन, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन। तो जब जब एक्स के ये जो रेडियन है वो सेम होंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वो कितना देगा हमको हमेशा वन, जब रेडियन मेजर एक्स दोनों में सेम होंगे तो वो हमको किसकी वैल्यू देगा इक्वल टू वन। तो ये एक्स रेडियन मेजर है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन, ये इससे डिराइव होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन, आई होप इतना समझा होगा तुम लोगों को, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे डिफरेंट वैल्यूज, क्या देखेंगे डिफरेंट वैल्यूज। अब मेरी बात सुनो, तुम लोग को ये पता चल गया ना, जितना भी हम एंगल घूम रहे हैं तो जो कॉस एक्स है वो किसके इक्वल आ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या था ए था, तो कॉस एक्स का वैल्यू कितना हुआ ए, और यहाँ पे साइन एक्स का वैल्यू कितना हुआ बी, मतलब साइन एक्स किसके इक्वल होगा बी कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, तो जो कॉस की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, जो भी कॉस और यहाँ पे जो भी एंगल गिवन होगा उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, एक्स कोऑर्डिनेट, किसके इक्वल होगी एक्स कोऑर्डिनेट, और जो भी साइन और जो भी हम एंगल घूमे हैं उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, कॉस की वैल्यू किसके इक्वल होगी एक्स कोऑर्डिनेट, कॉस की वैल्यू किसके इक्वल होगी, कॉस की वैल्यू किसकी होगी ए था, ए क्या था एक्स कोऑर्डिनेट, तो कॉस की वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट, साइन की वैल्यू वाई कोऑर्डिनेट। आई होप इतना समझा होगा तुम लोगों को, है ना, क्लियर है, तो नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, कॉस का वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट, साइन का वैल्यू वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब हम यहां से ये देखेंगे कि जो हमारा साइन जीरो कॉस जीरो कॉस 180 ये वाली वैल्यूज कहाँ से जनरेट होती है, ये वैल्यूज आ कहाँ से रही है, कि साइन जीरो की वैल्यू जीरो क्यों हो रही है, कॉस 180 की वैल्यू माइनस वन क्यों हो रही है, साइन 180 की वैल्यू जीरो क्यों हो रही है। ठीक है, हम यहाँ पर ये डील करेंगे, बट तुमको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि जो कॉस
कॉस का वैल्यू वो किससे आ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट, साइन का वैल्यू किससे आ रहा है, वाई कोऑर्डिनेट। आई होप इतना क्लियर हुआ तुम लोगों को, है ना, क्लियर है, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या बोल रही हूँ, अब मेरी बात सुनो सब, ठीक है, ये मिठा देते हैं हम। चलो मेरी बात सुनो, अब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने क्या बोला, मैं x एक्सिस से कितना घूमी, मैं x रेडियन घूमी, तो मेरा वैल्यू कितना आया, मैं p पे रुकी, ठीक है, x एक्सिस से मैं कुछ p पे घूमी, मैं यहाँ पे थी, मैंने कुछ रोटेट किया, मेरा जो रोटेशन है वो कितने से हुआ, x रेडियन से हुआ, और इस पॉइंट पे हम लैंड हुए p a कॉमा p। अब मैं बोल रही हूँ यार, मैं जो एक्सिस है ना, मैं इधर से कुछ रोटेट ही नहीं हो रही, मेरा ये जो x एक्सिस है, जो ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस था, और OA उसी पे लाई कर रहा है, राइट, तो जो OA है वो कितना एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ, OA कितना एंगल बना रहा है, OA का एंगल विद x एक्सिस, OA का एंगल विद x एक्सिस कितना होगा, 0 डिग्री, है ना, कुछ रोटेशन ही नहीं हो रहा है, मतलब दोनों पैरेलल है, मतलब दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, जब ओवरलैप कर रहे हैं तो एंगल कितना होगा इन दोनों के बीच का, एंगल कितना है, 0 डिग्री, मतलब जिस OA ने रोटेशन कितना किया है, 0 रेडियंस का, OA का रोटेशन कितना हो गया, 0 रेडियंस का, हाय OA का रोटेशन कितने का हो गया, 0 रेडियंस, ठीक है, इतना तो क्लियर होगा। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये कितने हो जाएंगे, A पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं, x एक्सिस है तो इसका रेडियस कितना था, 1 यूनिट, मतलब ये वाली वैल्यू कितनी है, 1, और अब y पे तो है, अब तुमको ये बात तो पता होनी चाहिए कि जब हम x एक्सिस पे होते हैं वहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, और जब हम y एक्सिस पे होते हैं तब x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, ठीक है, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट पे x एक्सिस की वैल्यू 0, मतलब x कोऑर्डिनेट 0, ठीक है, तो x एक्सिस पे तो किसके कोऑर्डिनेट 0 होंगे, y कोऑर्डिनेट। अब देखो यहाँ से इतना घूमे, मतलब यहाँ से इतना डिस्टेंस कितना है, 1 का है, तो 1, 0। अब मेरी बात सुनो, अब ये 0 रेडियन है, अब मैंने बोल दिया कि मेरे को साइन, देखो हमने क्या था ना, अब रेडियन कितना घूमे, 0 रेडियन घूमे, तो साइन 0, और साइन की वैल्यू किससे पता चलती है, वाई कोऑर्डिनेट से, साइन की वैल्यू किससे पता चलती है, वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 0, तो साइन 0 इज 0। आई होप इतना समझाओगे तुम लोगों को, है ना। अब हम देखते हैं, अब मैंने बोल दिया कि मेरे को ना कॉस 0 की वैल्यू बताओ, कॉस की वैल्यू कौन से कोऑर्डिनेट से पता चलती है, कॉस की वैल्यू कौन से कोऑर्डिनेट से पता चलती है, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट कितना इधर, 1, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 1, ठीक है, आई होप इतना समझाओगे तुम लोगों को। अब इस पॉइंट का नाम दे देते हैं, अब बी पे जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएंगे, देखो वाई एक्सिस पे मतलब एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है, वाई एक्सिस पे इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है, अब यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट का है, तो बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1, 0, ठीक है, इतना समझा। तो ये देखो पहले हम यहाँ पे थे एक्स एक्सिस पे, ओए से हम कितना घूमे, ओबी तक, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दैट इज 90 डिग्री और पाई बाय 2 रेडियंस, आया ना, 90 डिग्री या पाई बाय 2 रेडियंस, है ना। अब मैं तुमसे बोल रही हूँ, मेरे को साइन पाई बाय 2 की वैल्यू बताओ, तो हम यहाँ से इतना घूमे पाई बाय 2 और यहाँ पे किससे वैल्यू पता चलेगी, साइन की वैल्यू किससे पता चलेगी, वाई कोऑर्डिनेट, किससे, वाई कोऑर्डिनेट, अब अब यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 1 है, तो साइन 90 की वैल्यू 1, क्योंकि साइन की वैल्यू वाई कोऑर्डिनेट से पता चल रही है, राइट, तो यहाँ पे साइन 90 कितना है, 1, तो इसलिए वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया, साइन 90 क्या हो गया, 1। वैसे अगर मैं पूछती थी यार कॉस 90 की वैल्यू बताओ, कॉस 90 की, तो फिर तुम कॉस 90 की वैल्यू क्या बोलते हैं, कॉस 90 की वैल्यू, कॉस 90 की वैल्यू हम बोलते हैं दैट इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट, तो 90 डिग्री पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है दैट इज 0, तो ये हो गया 0। आई होप इतना समझा हुआ तुम लोगों को, है ना। वैसे हम क्या करते हैं, हम OA से OB तक गए ना, अब हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट का नाम दे दिया सी, ठीक है, अब हम यहाँ से पूरा इतना घूमेंगे, ठीक है, इतना घूम रहे हैं, तो मेरी बात सुनो, तो हम x एक्सिस से कितना ऑपोजिट है, देखो OB मतलब इसका मतलब जो रेडियन है वो कैसे निकालना है, एक ये जो रे है या जो ये जो भी लाइन है वो x एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, यहाँ पे कितना एंगल बना रही थी 90 डिग्री का, इसे 90 डिग्री हो गया। अब जो OC है वो x एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, मतलब पॉजिटिव x एक्सिस, देखो पॉजिटिव x एक्सिस से ये एंगल बना रही है 180 डिग्री का, है ना, या उसको क्या बोल सकते हैं हम, पाई रेडियंस, हाँ या ना। अब देखो हम नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहे हैं, ये x एक्सिस है, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होने वाले हमारे, 0, है ना, तो y कोऑर्डिनेट तो 0 है, बट हम अभी नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो -1, 0। आई होप इतना समझा होगा तुम लोगों को,
है ना, माइनस वन कॉमा जीरो, है ना। तो मैंने बोल दिया यार साइन, अब रेडियन कितना घूमे पाई, तो साइन पाई, साइन पाई की वैल्यू कौन से कोऑर्डिनेट से पता चलेगी, साइन की वैल्यू हमको पता चलती है वाई कोऑर्डिनेट से। अब यहाँ पे देखो वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 180 डिग्री जब घूम के आए तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, जीरो है, तो साइन पाई की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। वैसे ही अगर मैं बोल देती कॉस पाई, तो फिर कॉस पाई पे क्या बोलते तू यार, कॉस पाई, पाई रेडियन घूम गए, अभी वहां पे जाके उसके कोऑर्डिनेट चेक कर लो, एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस वन है, तो कॉस पाई की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन। आई होप समझ आया था तुमको, ठीक है, इतना क्लियर। अब हम क्या करते हैं, हमने 180 घूम लिया, अब हम 270 घूमते हैं, ठीक है, ये ओसी, इसको इस पॉइंट पे नाम हमने दे दिया ओडी, क्या दे दिया ओडी। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से देखो जो ओडी है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 270 डिग्री का, 270 डिग्री मतलब 3π/2। तो यहाँ पे देखो, अब हम वाई एक्सिस पे हैं, वाई एक्सिस पे कौन से कोऑर्डिनेट जीरो होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होते हैं। अब देखो नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब जीरो कॉमा माइनस वन, ठीक है, तो कॉस 3π/2 बोल दिया, कॉस 3π/2 कौन से इस पे आ रहा है, एक्स वाई एक्सिस, कॉस की वैल्यू कौन से कोऑर्डिनेट से पता चलती है, एक्स जीरो हो गया। और अगर मैंने बोल दिया साइन 3π/2, इसकी वैल्यू कौन से कोऑर्डिनेट से पता चलती है, वाई कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस वन, तो कॉस 270 की वैल्यू क्या होगी, माइनस वन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इतना समझा तुम सबको, आयो इतना क्लियर होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम पूरा घूम के इधर आते हैं, ठीक है, पूरा घूम के आ गए, तो एंगल कितना हो गया अभी हमारा, जो हमने रोटेशन किया है कितने डिग्री का किया है या कितने रेडियन से किया है, 2π रेडियन या 360 डिग्री। अब हम वापस इसी पॉइंट पे आ रहे हैं, राइट, तो साइन 2π बोल दूंगी, तो उसके कोऑर्डिनेट वापस किसके इक्वल होने वाले हैं, इसके साइन की वैल्यू किससे पता चलती है, वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट मतलब जीरो, और कॉस 2π मतलब वन, इजी ना। देखो कॉस 2π की वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट से पता चलती है, या एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, वन, तो वन। साइन 2π मतलब साइन किसकी, साइन किस, साइन की वैल्यू किससे पता चलती है हमको, वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, जीरो, इसलिए जीरो, और कॉस की वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट इसलिए वन हो गई। आई होप तुमको ये क्लियर होगा कि यार ये जो वैल्यूज है साइन जीरो, कॉस जीरो या कॉस 180, कॉस 90, ये सारी वैल्यूज आ का सकी है। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैसे डिफाइन किया है, सर्कुलर फंक्शंस, इनको सर्कुलर फंक्शंस डिफाइन करने का रीज़न ये है कि ये पीरियोडिक फंक्शंस है। कैसे है, पीरियोडिक मतलब ये कुछ इंटरवल के बाद रिपीट हो रहे हैं, जो भी फंक्शंस किसी इंटरवल के बाद रिपीट होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शंस। पीरियोडिक फंक्शन मतलब जो भी फंक्शन हमको गिवन है और वो कुछ टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे हम देख लेंगे ना, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, इन सब के ना ग्राफ्स देखेंगे, और इनके डोमेन, रेंज, क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है या नहीं है, कितने, अगर है तो फिर वो कितने टाइम पीरियड का रिपीट हो रहे हैं, हम ये सब डील करेंगे, ठीक है। टिल देन तुम लोग अच्छे से रिवाइज करते रहो, बाय गाइस।